कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप। फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुनिया को झकझोर देती हैं और भविष्य की सभी सफलता के लिए बार सेट करती हैं। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन द्वारा निर्देशित भारत में तब हिट थी जब सिनेमाघर अभी भी 50% ऑक्यूपेंसी पर थे। सिनेमा घरानों के मखमली कालेपिन में तेलुगु दर्शकों को गुजरात से बिहार तक के गलियारों में नाचना था। वे चाहते हैं कि आप मान लें कि अल्लू की जीत अचानक हुई, लेकिन उनके समर्पित प्रशंसक बेहतर जानते हैं। हिंदी पट्टी में साल बीत गए। पुष्पा के साथ आने तक अल्लू गुप्त रूप से रिकॉर्ड बना और तोड़ रहा था। पुष्पा ने कथित तौर पर वैश्विक स्तर पर 365 करोड़ रुपए कमाए, जबकि अला वैकुंठपुरमुलू को 262 करोड़ रुपए मिले। बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सरेनोडू ने भी अल्लू अर्जुन को गैर तेलुगु भाषियों में प्रमुख बनाया। ई टाइम्स के अनुसार एबीसीडी अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी 2021 में टीवी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक थी। सर रायनोडू का डब संस्करण 2018 में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। पुष्पा द रूल पर काम 2021 रिलीज के दूसरे चरण जल्द ही शुरू होगा। सुकुमार की फ्लिक में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। रश्मिका मंदाना, फहद फासल, सुनील, अंसूरिया भारद्वाज आदि अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। जन्मदिन मुबारक हो अल्लू अर्जुन।